हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है, तो बिना स्किप किए आज पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है क्योंकि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फुल प्रोसीजर ऑफ प्लास्टर वर्क का आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो, क्योंकि पूरा मेहनत से वीडियो लेके आया हूँ, तो आपका आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, जब भी हमारा घर में वर्क होता है, ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन जब हम कराते हैं, कब कराते हैं कंस्ट्रक्शन, जब मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। जब स्ट्रक्चर कंप्लीट के बाद हमारा ब्रिक वर्क होता है, जब ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद फिर हम क्या कराते हैं, प्लास्टर वर्क कराते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टर वर्क करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए वो हम पहले बात कर लेते हैं आप लोगों से। जैसे ये मेरा एक वॉल है, सपोज ये मेरा वॉल है और ये वॉल पे मैंने कंप्लीट ब्रिक वर्क किया, ठीक है। ब्रिक वर्क करने के मतलब क्या होता है कि आप कम से कम इसमें क्यूरिंग 7 डेज, मिनिमम 7 डेज है, मैक्सिमम 10 डेज आप कराइए, क्योंकि तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने आज इस मतलब एक वॉल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 डेज, अगर ये मेरा हाइट है तो एक बार में हम कंप्लीट ब्रिक वर्क नहीं करेंगे, एक दिन में कितने करेंगे, 1.2 मीटर या मैक्सिमम 1.5 मीटर, राइट। इससे ज्यादा ब्रिक वर्क की हाइट हम एक दिन में नहीं करेंगे, राइट। अब क्या है कि जब ये ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया तो आप क्या करो, इस वॉल पे आप एक डेट क्रिएट करो, आप डेट को मेंशन करो कि आज की डेट है, सपोज आज का डेट क्या है? जैसे 4 अप्रैल 2022 है, तो आप यहाँ पे लिखो कि 4 अप्रैल 2022 है, राइट। अब 4 अप्रैल 2022 है तो इससे आपको ये पता चलेगी कि हमारा क्यूरिंग कितना डेज हुआ। होता क्या है एक्चुअली कि मेसन इस तरफ आपका काम कर दिया, फिर और दूसरी वर्क किया, तो आप क्या होता है कि दिमाग से मिस हो जाती है ये कब हुई थी। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ब्रिक वर्क कराते हो तो उसका क्यूरिंग का खास ध्यान रखें। क्यूरिंग आप कराओगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्यूरिंग ही सबसे महत्वपूर्ण ब्रिक वर्क में है, राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रिक वर्क में मिनिमम 7 डेज आपको क्यूरिंग करना ही करना है और मैक्सिमम 10 डेज। अगर मैक्सिमम आप 10 डेज करते हो तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, राइट। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा क्यूरिंग के बारे में। ब्रिक वर्क किए तो क्यूरिंग हमें किस हिसाब से करनी है, सबसे पहले हम इस वॉल के ऊपर डेट को मेंशन करेंगे और उस मेंशन में काउंट करेंगे 10 डेज, मिनिमम 7 डेज, राइट। अब क्या है, ब्रिक वर्क करने के बाद अब क्या है, ब्रिक वर्क को हो गया हमारा, अब प्लास्टर वर्क करने से पहले आप किन किन बातों पर ध्यान दें। देखो, एक इलेक्ट्रिकल वर्क है, एक प्लम्बिंग वर्क है, एक वुडन वर्क है, राइट। सपोज मैं दूसरा फिगर पे ले, ये अब कहने का मतलब ये हमारा प्लास्टर है, ये ब्रिक वर्क हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रिक वर्क हमारा हुआ है, उसके बाद ही तो हम प्लास्टर कराते हैं, लेकिन हम 3 चीजों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क और वुडन वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें इसकी वॉल के अंदर हमारा कंड्यूट पाइप होती है, अगर आपके ड्राइंग में ऐसा मेंशन है। लेकिन कोई कोई ओपनिंग वायर कराते हैं जो कि ओपन से ही पाइप हो जाती है, लेकिन वो ज्यादातर ठीक नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन या अपना मकान बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप कंड्यूट पाइप वॉल के वॉल में इंस्टॉल कराएं, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि ओपन वाले फेस में आपका कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपकी प्लेटें दिखेगी, जो स्विच बोर्ड आप ऑन और ऑफ वाला जो बटन होता है हमारा, उसको हम यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा लुक अच्छी आती है। और ओपन पाइप, ओपन वायरिंग जो आप करोगे तो उसमें चारों तरफ से आपकी लुक खत्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप कंसील पाइप, अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई काम है तो प्लास्टर करने से पहले कराएं। अगर आपका प्लम्बिंग का काम है, सपोज मैं कंड्यूट पाइप किसके बारे में कह रहा था, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक इमेज मैंने सारा इमेज उठा के लेके आया हूं आप लोगों के लिए, राइट। अब देखिए
ये कंड्यूट पाइप, जब भी आप प्लास्टर वर्क से पहले आपको ये कंड्यूट पाइप डलवानी है, ठीक है। ये पीवीसी पाइप है डब्ल्यूसी के लिए, ठीक है। तो प्लम्बिंग वर्क में क्या क्या चेक करनी है उसके लिए मेरा इनलेट और आउटलेट पाइप के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आउटलेट जो टैंकी से जो हमारा कनेक्शन हमारे वाटर वाटर में सप्लाई, मतलब ये कि बाथरूम में जो हमारे सप्लाई आ रही है, तो वो पाइप आपको क्या करना होता है कि वॉल में ही इंस्टॉल करानी होती है, राइट। एक होता है हमारा ये कंसील्ड पाइप, जो कंड्यूट पाइप बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, जो यहाँ पे बोर्ड लगी होती है, इसके थ्रू से हम यहाँ पे सीलिंग में पहले ही जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है, उस टाइम क्या होता है, सीलिंग में स्ट्रक्चर जब बनता है तो छत में क्या करते हैं हम लोग, कंड्यूट पाइप डलवा देते हैं। कहाँ से? हमारा दो बोर्ड होता है, एक एलटी पैनल होता है, एक हमारा डीबी होता है। डीबी से कनेक्शन हमारी कहाँ रहती है, एलटी बोर्ड में, एलटी बोर्ड से डीबी बॉक्स, और डीबी से हमारा सप्लाई पूरी छत में होती है, और छत के थ्रू हम हर रूम बेडरूम में हम इस तरह एक नीचे के पॉइंट में एक सप्लाई छोड़ते हैं हर जगह, ठीक है। ये जैसे ये सप्लाई है हमारा, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आके छुड़ा हुआ है। तो वो मेरा कहने का मतलब यह है, प्लास्टर वर्क से पहले प्लम्बिंग वर्क का खास ध्यान रखें, और जाके इलेक्ट्रिकल वर्क का, क्योंकि प्लास्टर होने के बाद आप तोड़ फोड़ करोगे तो वो सही चीज नहीं है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, प्लास्टर करने से पहले दो चीज मैंने आपको बताई, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपने प्लास्टर वर्क करा लिया, सॉरी आपने ब्रिक वर्क करा लिया, उसमें भी आपने प्लम्बिंग वर्क आपने चेक कर लिया, इलेक्ट्रिकल वर्क पहले चेक कर लिया, ठीक है। चेक करने के बाद आपका यहाँ पे जो डोर और दरवाजे या विंडो जो भी यूज होने वाला है वुडन वर्क में, ठीक है, यूपीवीसी तो आप बाद में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुडन वर्क की बात कर रहा, तो आप इसमें जो डोर फ्रेम होगा ये आप पहले प्लास्टर वर्क से पहले आपको फिक्स करानी है, ठीक है, ये भी आपको पहले ही फिक्स करानी है, मतलब प्लास्टर वर्क से आपको डोर फ्रेम। तो आप सपोज आप नोट कर लीजिए कि ब्रिक वर्क मैंने कंप्लीट किया, ब्रिक वर्क के बाद हमारा होता है इलेक्ट्रिकल चेकिंग और प्लम्बिंग चेकिंग। प्लम्बिंग के जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम उस पॉइंट में, क्योंकि उस पॉइंट की ध्यान में रखते हुए हम प्लग लगाते हैं ताकि उसके अंदर मसाला ना चला जाए या हमारा कोई ब्लॉक पॉइंट नहीं हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, ये खास ध्यान रखें। दूसरी डोर विंडो के बारे में मैंने बताया आपको कि डोर विंडो का खास ध्यान रखें, प्लास्टर वर्क से पहले आप इंस्टॉल कराइए, ठीक है, होगा क्या उसमें बहुत ही अच्छा पकड़ आएगी आपकी, प्लास्टर और बॉन्डिंग हर चीज अच्छी होगी, राइट। तो आई होप कि आपने समझ गया। अब आते हैं प्लास्टर वर्क पे, देखो यहाँ पे एक मेंशन है ही है, अब एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं कि हमारा प्लास्टर वर्क जो होता है जनरली तीन तरह की उसकी थिकनेस होती है प्लास्टर वर्क की, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी जगह बताने का रीजन है, क्योंकि अगर 4 इंची की दीवार या 9 इंची की दीवार हम रखते हैं, ठीक है, तो एक तरफ हमें क्या होता है, एक सरफेस जो होता है स्मूथ सरफेस मिलता है, और जस्ट उसके अपोजिट वाले पार्ट पे हमें रफ सरफेस मिलता है, तो दोनों पे प्लास्टर की थिकनेस अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस स्मूथ वाले फेस पे हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं, जो हमारा रफ सरफेस होता है उसको उसके ऊपर, जैसे रफ सरफेस आपको ये वाला अंदर वाला पार्ट दिख रहा होगा, सपोज ये वाला पार्ट आपको, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है ये रफ सरफेस है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या है, स्मूथ सरफेस। तो ये रफ सरफेस पे थिकनेस अलग होगा और प्लेन सरफेस पे थिकनेस अलग होगा, राइट। तो ये हम अभी आप लोगों से बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, अब हम चलते हैं प्लास्टर वर्क की तरफ। अब देखिए प्लास्टर वर्क करने से पहले आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी दीवार वर्टिकल है, अगर वर्टिकल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि ये वॉल है, वॉल है, वॉल के ऊपर हम देखते हैं वर्टिकल है या नहीं। जनरली अगर आप अपने घर में काम करा रहे हो तो मेसन को आपको पहले ही बोलनी है कि हमें एक सूत में चाहिए या फंटी में चाहिए, गांव के जो इस मेसन ने फंटी पकी हुई है। अब जब आपकी ब्रिक वर्क आपकी क्लियर खड़ा होगा, जब आप वॉल में आप इस फंटी को लगाओगे तो आपका फंटी डेड, मतलब ये बेंड नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, तो समझ लेना हमारा एक लिक्वल में है। और मेसन के पास जो होता है वो प्लम्बर और सूत के थ्रू करते हैं, ठीक है, प्लम्ब अप करते जाता है, लेयर बढ़ाते जाता है, प्लम्ब अप करते जाता है, लेयर बढ़ाते जाता है, प्लम्ब अप करते जाता है, ठीक है। तो अब प्लास्टर की
प्रोफेसर प्रोसीजर को हम फुल समझते हैं, ठीक है। प्लास्टर की जो प्रोसीजर है हमारा ये, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसका खास ध्यान रखते हैं। आपकी अभी हमारी बात हुई कि दो फेस हमें मिलती है, एक स्मूथ फेस मिलती है, एक रफ फेस मिलती है, राइट, क्लियर हो, ठीक है। तो अब दो तरह के आप पहले थिकनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्मूथ वाले फेस पे हम 12 mm की प्लास्टर, मतलब 12 mm की ठीक की प्लास्टर रखेंगे, राइट, और जस्ट उसके अपोजिट साइड जो रफ सरफेस है उसमें हम 15 mm का सरफेस रखेंगे, ये थिकनेस रखेंगे, थिकनेस ऑफ मोर्टार ऑफ सीमेंट की, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इस वॉल पे प्लास्टर अप्लाई करने से पहले इसमें घोल आपको लगानी होती है, घोल। अब घोल क्या होता है, सेलरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेलरी क्या होता है, सीमेंट पेस्ट को पानी में हम घोलते हैं और इतना ही घोलिए आप ताकि वो दीवार पे जाके चिपक जाए, ज्यादा पानी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा वो गहरा भी नहीं होनी चाहिए। उससे होगा क्या कि आपकी अगर ज्यादा पानी दे दिए तो नीचे आ जाएगी, पकड़नी होगी। तो आप इस हिसाब से उसको आप मिक्स कीजिए, उस एक पेस्ट बनाइए। जब आप घोले वॉल के ऊपर आप छिड़काओगे तो ये सारा सीमेंट की पेस्ट क्या होगा, इस पे चिपक जानी चाहिए। तो अब ये लगाने का बेनिफिट क्या, अब जब ये लगाओगे तो जब आपकी प्लास्टर करने के टाइम जब मेसन काम करेगा तो उसके अंदर एक प्लास्टर की एक बॉन्डिंग होगी, मतलब पकड़ बहुत अच्छी आएगी और उससे आपकी वॉल में क्रैक्स नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन प्लास्टर करने से पहले एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले इसका क्यूरिंग अच्छी तरीके से हो जाए। होने के बाद जब मेसन अपना काम करेगा फिर क्यूरिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर हम घोल लगाएंगे, फिर ये मसाला अप्लाई करेंगे, राइट। इतना आपको पता हो गया, ठीक है। उसके बाद मेसन ये क्या करते हैं, मेसन इसके ऊपर चिपका देते हैं सारे वन बाय वन करके, उसके बाद ये फंटी के हेल्प से हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीलिंग की प्लास्टर। अभी तो मैंने वॉल की प्लास्टर आपको बताया 12 mm 15 mm, अब हम सीलिंग की जो प्लास्टर हम रखते हैं वो हम रखते हैं 6 mm, राइट, आपको समझ में आ गया। अब हम एक चीज और, एटम हमारा था, आपको प्लास्टर के बारे में समझ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि हम रेशियो क्या रखें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है माइंड में वो होती है रेशियो क्या रखें। अब देखो रेशियो हम क्या रखें, देखो आप अपने उंगलियों पे काउंट कर लो जो चीज हम बता रहे हैं। 1:3 मतलब एक तसला सीमेंट और 3 तसला आपको बदरपुर। और हाँ, बदरपुर सीमेंट जो आप आपके साइट पे अगर मेसन मिक्स करके जो कंक्रीट बना, सॉरी ये मोटार बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको आपके साइट पे जो सैंड है या आपका डस्ट है तो उसको क्या करनी है, पहले छन्नी से छाननी है। छन्नी क्या होता है, एक छन्नी पतली सी होती है, उसके ऊपर जब डालते हैं तो उसके अंदर जितने भी ये कंकर पत्थर जो भी है मोटे मोटे वो हमारा अलग हो जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा सैंड बहुत अच्छा देखने में है तो हो सकता है उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ निकल जाए, तो उससे क्या है कि उसमें आप अगर प्लास्टर कर देगा तो फ्यूचर में अगर उसके अंदर वो प्रवेश हो जाता है, कंकर चला जाता है, सपोज ये छोटे छोटे टुकड़े की कन या पार्ट चले जाते हैं तो उससे भी आपके दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से काम करने से पहले आपको छन्नी से छानना है। हाँ, लेकिन आप डस्ट यूज कीजिए, एक जमुना का जो हमारा रेता बोलते हैं रेता, वो ग्रे कलर की होता है, तो दोनों मिक्स करके आप कीजिए तो आपकी प्लास्टर की स्मूथ और बेटर होगा, ठीक है, समझ गए। डस्ट आप प्लस आप रेता दोनों को मिक्स करके आप साइड पे आप मोटार को मिक्स करवाइए, ठीक है, उससे क्या होगा बेटर तरीके से आपका स्मूथ आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको छाननी है, एक एक करके हमें डस्ट बदरपुर को छान लेनी है, उसके बाद हम अप्लाई करें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, आप साइट पे इतना ही मसाला बनवाइए एक बार में ताकि वो मैक्सिमम 1 hours में यूज हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम 1 hours में आपका सारे मसाला यूज हो जाए। यूज होने के बाद होता क्या साइट पे, बहुत एक तो साइट पे जो एरर होती है वो नापते नहीं है, ठीक है,
अंदाजी ऐसे सीमेंट, ऐसे डस्ट मिला देंगे या थोड़ा रेता मिला देंगे, जो रिवर्स ग्रे रिवर सैंड बोलते हैं, और इसको हम सैंड बोलते हैं डस्ट वाले को, ठीक है, ग्रे रिवर सैंड, और दोनों को अंदाजी मतलब मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसके ऊपर सीमेंट आधा बोरी आधा कट्टा अपने हिसाब से दे दिया, तो ये गलत है। हो सकता है आपका सीमेंट कम चला जाए या कुछ चला जाए। अब हम बात करते हैं रेशियो की, ठीक है, रेशियो क्या रखेंगे, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। 1:3 का मतलब क्या है, रिच मोर्टार, और ये बल्ब हम कहाँ पे करते हैं प्लास्टर, जो हमारा कंक्रीट फेस है, जैसे कॉलम, जैसे स्लैब में कुछ एरर्स आई है उसकी रिपेयर्स, या हम सीलिंग के प्लास्टर 1:2। हम रिकमेंडेशन करते हैं आप लोगों को कि आप सीलिंग की प्लास्टर जब भी कीजिए 1:3 में कीजिए, ठीक है। वॉल की प्लास्टर आप 1:4 भी कर सकते हैं, 1:5 भी, 1:6 भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट कर दी। अब एक चीज और सबसे बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देके सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक आता है हमारा मुर्गा जाली, ये है मुर्गा जाली, हम इसको चिकन मेस भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है अभी बताते हैं। ये मुर्गा जाली जैसे कोई कॉलम है, सपोज मैं अभी यहाँ पे एक स्केचअप ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये आपकी एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, और आपने इस वाले फेस से देखो, मैं रेड कलर ले लेता, ये कॉलम है, और यहां से क्या हुआ है आपका ब्रिक वर्क हुई है, हो नहीं रहा, ठीक है। आप समझ लो कि ये कॉलम है हमारा, और कॉलम की फेस से क्या होता है, ब्रिक वर्क होता है, ठीक है। तो आप जब भी आप प्लास्टर कराओगे ना, तो यहां भी क्या होता है, क्रैक्स आती है। इतना जल्दी क्रैक्स नहीं आते, 2 साल 3 साल के बाद क्रैक्स 100% श्योर आप होइए कि वहां से क्रैक्स आती है। तो इस वाले फेस में क्रैक्स को बचाने के लिए या क्रैक्स से बचने के लिए हम मुर्गा जाली का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम ला लेते हैं कोई कॉलम दिखाने के लिए आपको, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, सपोज ये कॉलम की फेस है आपकी, राइट, कॉलम की फेस है, रुको फेस वाला पार्टी दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा यार, ठीक है, मैं जूम कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, या दिख नहीं रहा तो मैं दूसरी पिक्चर इमेजेस उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझ में, हाँ ये वाला पार्ट में डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखो, यहां से देखो एक कॉलम आ रही, ठीक है। अब ये कॉलम के पास, अब जब आप इसमें आप प्लास्टर वर्क करोगे, तो प्लास्टर वर्क करने के बाद क्या होगा, यहां से आपकी क्रैक्स आएगी, यहां से भी आपकी क्रैक्स आएगी, ठीक है। तो इस क्रैक से बचने के लिए 8 इंची का मुर्गा जाली लगाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा अवेलेबल है तो मैं कंसिडर करता हूं ये पूरे वाले पार्ट पे, मतलब इस वाले फेस से 4 इंची इधर, और इस वाले फेस से कॉलम की आउटर फेस से 4 इंची प्लस, आप प्लस ये जितना है ये पूरे हिस्से में यहां तक आप कंसिडर करो और उसके ऊपर लगवाओ। अगर नहीं है तो और भी तरीके हैं कि आपकी जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से 4 इंची प्लस इधर और 4 इंची इधर, ये क्या वो क्या लगाएंगे, ये मुर्गा जाली जो मैंने अभी दिखाया, जो चिकन मेस बोलते हैं, फिर आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई कीजिए, तो आपकी उसमें कोई क्रैक्स नहीं आएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्यूरिंग कर रहे हैं, ये कितने दिन तक हम प्लास्टर वर्क में क्यूरिंग करें, हाँ प्लास्टर वर्क का भी क्यूरिंग आप कम से कम 7 डेज, मैक्सिमम आप 10 डेज का ध्यान रखें, राइट, और कम से कम दिन में 3 बार क्यूरिंग करें, एक बार मॉर्निंग, एक बार आप आफ्टरनून में करो, और उसके बाद आप इवनिंग टाइम कर दो, ठीक है। तो आपकी प्लास्टर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।